इसका इंटीरियर चेक करो कैसा खानदानी है। स्टेरिंग देखो माऊ बच फोल खड़ पे स्टेरिंग लगे दे। यार बुजुर्ग गंदा लग रहा है मुझे। ए मामू भाई तो संग में इसकी खूबसूरती का राज भी दसता। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, ऐसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज तीन काम हैं और तीन बातें हैं, तीनों एक ही चीज़ें हैं ऐसे बाय द वे। पहला काम है रेडिएटर चेक करना है। तो बॉयज़ रेडिएटर की बात कर लें तो लालू का जो रेडिएटर है इसका पानी लेवल तो पूरा है, बोतल में भी पूरा है, इसमें भी पूरा है, लेकिन इसके अंदर ऑयल के और कूलेंट के असरार अभी भी नज़र आ रहे हैं। मतलब कि अभी भी इंजन के अंदर पानी था जो कि मिक्स हो गया है। खैर ये हम दो चार दिन नज़र रखेंगे, अगर तो इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई, अब तो ज़्यादा मिक्स हो गया होगा ऑब्वियसली गाड़ी चलती रही है, अगर ज़्यादा ख़राब हुई तो हमें इसके ऊपर दोबारा तवज्जो देनी पड़ेगी। काम और बात नंबर दो, हमारी गाड़ी लास्ट व्लॉग में, अगर आपने पूरा व्लॉग नहीं देखा तो उसमें हमारी गाड़ी आखिर में वर्कशॉप से निकलते हुए अनफॉर्चुनेटली लग गई थी, और गलती किसकी थी ये आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। कुछ होता दो मिनट सफ़र कर लेते आप, कुछ होता कोई सफ़र क्यों नहीं किया फिर आपने कहा कि मैं तो धड़ाधड़ जाऊँगा। नहीं नहीं सुबह नहीं, मैंने अभी करना है, आपने अभी किया कि सुबह करोगे? अभी किया ना, मुझे नहीं पता आपका मसला है, आपने मुझे अभी करके देने हैं, मैंने हाजिर पैसे लेने हैं इसके अंदर से। उसको बुला पेंटर को, उसको कहा बता कितना खर्चा आएगा पूरा बम्पर पेंट होना। नहीं नहीं सुबह नहीं, अभी ले यार हम किधर आते हैं जी। आप देखें ना आप कैसे बाइक घुसा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ आप घुसा ही जा रहे हैं, घुस भी नहीं रही आप बस घुसा ही जा रहे हैं कि लग भी रही है आपके सामने, आपको पता लग रहा है। किधर हम काम का किधर ही जा रहे हैं, सुबह पहले आस पास आएंगे भाई, पहले पेड़ के पैसे दो भाई, मेहरबानी है आपके काम में कमी कमाई है भाई, दो मिनट सुबह नहीं होगा, मैंने किसी की वर्कशॉप पे नहीं जाना, मैंने इधर से काम कराना जहाँ से मेरी गाड़ी का होता है, मैंने किसी और बंदे पे मुझे भरोसा ही नहीं है। मैं क्यों थाने ले लूं? तो यार भाई ना मेरी बात सुन, जब ये वाक्या पेश आ रहा था तो मैंने बस उनको साइड पे लेके जाके ये बोला कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो नहीं बात समझेगा क्योंकि वो बड़ा मुतमइन सा बंदा था, ही वाज जस्ट लाइक कि मुझे बेशक थाने ले जाओ, मैं तो भाई यहीं पे हूँ, आप जो मर्जी कर लो मेरे साथ। तो वो बड़ा मुतमइन सा बंदा था, इसलिए मैंने पासिंग को कहा कि यार इसको छोड़ दो, फजूल है, इसको फ़ायदा नहीं है, ही वॉन्ट पे फॉर द डैमेज ही डिड। बस ने कहा कि इससे मैंने पैसे नहीं लेने, मुझे जलील कर लेने थे, मुझे मेरे दिल की बुड़ास निकाल लेने थे। मैंने कहा चलो लगे लो, तो वो भी फिर लगा रहा, कोई 10-15-20 मिनट लगा रहा उसके साथ। काम नंबर तीन और सबसे इंटरेस्टिंग काम है ये, 2-3 महीने हो गए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ। हमारे पास ये दो, आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, ये क्या हैं तो हम आपको अभी समझाते हैं। ये वो चीज़ है जो कि मैंने पिछले साल आई गेस मैंने अपनी लालो में लगवाई थी, उस ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि ये देसी बना हुआ है। तो ये जो ये आप देख रहे हैं ये है एंड्रॉयड पैनल फॉर इंडस करोला, शुभा मार्केट से दोस्त ने लेके आया, दोस्त ने गिफ्ट कर दिया मुझे, भला हो उसका। और वो जो मैंने देसी लिया था वो 7,000 का था, पता नहीं 7 या 8 का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वाला जस्ट फॉर 3,000 रुपीज़ और इतनी गुड क्वालिटी
कि मैं आपको बता नहीं सकता। वेरी गुड क्वालिटी, बहुत गुड क्वालिटी है ये, और ये है कि मतलब वर्थ इट है। ये गाड़ी पे लगाएं तो मज़ा भी है। जो अभी लगा हुआ है वो ख़राब हो गया, जगह जगह से उतर रहा है क्योंकि वो अपनी जगह पे सही नहीं बैठा, और देसी है तो उसके अंदर से कभी कोई स्विच बाहर आ जाता है, कभी कोई स्विच बाहर आ जाता है। और इवन के ये जो कंट्रोल्स हैं, जो ये आप देख रहे हो, ये जो क्लाइमेट जो कंट्रोल्स होते हैं इसके मैनुअल, वो कंट्रोल्स भी ना होने के बराबर है। तो अब देखते हैं आज के ब्लॉग में हमारे कितने काम हो पाते हैं। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज एक नजर मार लें, एक बार नजर मार लें कि आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। भाई नहीं, इनसे करवाना ही नहीं आया भाई। छाड़ दे, छाड़ दे, ठीक है, छाड़ दे, मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। मतलब ये क्या किया इन्होंने, मेरे शीशे का बेड़ा कर करती है, देखो। अच्छा बड़ा साफ था, इनको बंदा क्या कहे यार, कुछ कह भी नहीं सकते, कहते बुरा भी लगता है, क्या करे बंदा। सो सैड एंड बैड, यू आर लुकिंग सो सैड एंड बैड। ये देख रहे हैं कुटीने छुटीने फटी हुई हैं, अगर तो बम्पर उतर जाता है तो उतार लेते हैं, उतार के सही तो आगे सही पेंट नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे छोड़ देंगे गाड़ी, छोड़ देंगे। ये इस पैच की वजह से पूरा बम्पर हमें पेंट करना पड़ना, ठीक है। बाकी बॉयज आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे खावर भाई कहाँ पे, खावर भाई से जाके मिले, तो ये खावर भाई हमारे साथ हैं यार, हम नहीं छोड़ते इनकी जान, टेंशन नहीं है, जब तक हमें गाड़ियों का शौक है तो खावर भाई की जान नहीं छोड़ते। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर। ये आपके पास ब्लैक इंटीरियर है, है? है? चेक किया है, बर्नार्डो ग्रे इंटीरियर है इसका। भाई कैसा लग रहा है अच्छे इंटीरियर वाली गाड़ी में बैठ के। इजी हो जाए यार। तो गाइस अपडेट ये है कि यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो मीनवाइल मैं ट्राई करता हूँ कि हम ये जो है ना, ये जो इसका एलसीडी वाला पार्ट है और ये सारा इंटीरियर वाला पार्ट है, ये चेंज कर पाए। लेट्स डू दिस। ये नया वाला पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसको यहाँ पे खोलने की कोशिश करते हैं। आपके भाई ने सक्सेसफुली जो है, हमने ऊपर वाला हिस्सा फिट कर दिया, छोटी छोटी चीजें हैं इसकी, ये फैंस, ये ऊपर वाला इसका इनटेक जो पीछे से वहाँ खींचता है, आगे से ये एयर वेंट्स, एलसीडी, एक लॉक, सारा कुछ फिट कर लिया है। अब इसके अंदर फिट करना है हमने, हो भी जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मेन मरहला ये है, इसके बाद चेक करते हैं अगर हम ये कर पाते हैं या नहीं। ये ऊपर होता है एलसीडी का यूनिट, यहाँ पे आता है अगर इसके अंदर आता है, क्योंकि पुराने जमाने में होता नहीं था, तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अल्टरेशन करनी पड़ी थी हमें। ये देखो आप एसी चलाना, गर्मी लगेगी ना घर बैठ के। यार ये तो खानदानी है। कड़पेंच स्टीयरिंग, कड़पेंच स्टीयरिंग। ओए की कर यार, बुजुर्ग गंदा लग रहा है मुझे, पहले लगना नहीं था ये। तो गाइस अपडेट ये है कि ऊपर वाला यूनिट तो हमने फिट कर लिया था, लेकिन नीचे वाला यूनिट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, तो इस पे जो है हमें टाइम लगेगा, चोखा टाइम लगेगा। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो फिर हम इनके हवाले कह देंगे कि भैया ये प्लीज जरा हमें पैक कर। तो गाइस डालो टाइम एंड ट्यून के हवाले, और इंशाल्लाह जब हम इसको वापस लेने आएंगे तो गाड़ी ऑल ओके हो जाएगी, बम्पर के लिहाज से भी और इंटीरियर के लिहाज से भी। Very nice system, brother. Yeah, bro. क्या बात है? Strip Nardo. Bye bye. तो boys अपडेट ये है कि हम लोग गाड़ी अपनी वर्कशॉप पे छोड़ा है और इस वक्त हम मौजूद हैं Strip Nardo में। बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा बेचारी का, लेकिन I can't wait to see this car after the interior modification. Yeah,
क्या मेरा बड़ा दिल कर रहा है लालो में लगवा लूं, कसम से बड़ा दिल कर रहा है यार। है ही बहुत महंगी भाई, ले जाओ 5 लाख करवा दो किसी तरह, ये भाई को लाख करवा दो, मेरे 5 लाख करवा दो। खाना खाने आया, भूख बहुत सख्त लगी है, सजी का ऑर्डर दिया, सजी आती है वो खाते हैं और फिर जाना है इसकी छत का पेंट लेने। इसका इंटीरियर चेक करो कैसा खानदानी है, स्टेयरिंग देखो माऊ बचे फुल खड़पेंच स्टेयरिंग लगे दे। यहाँ पे ब्लॉग का एंड करते हैं और अभी लालो भी बिखरी पड़ी है बेचारा, उसका इंटीरियर भी, और ये नार्डो का तो बहुत ही बिखरा हुआ है ना। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में कि दोनों गाड़ियाँ कब पैक होती हैं और कैसी लगती हैं फाइनली। और आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यार भाई इधर देखें, आपको टेस्ट करना है सिनेमैटिक मोड में। हीरो हो गया तुम्हारा, इंपोर्टेंट बना ले गलती दोनों साइड से, ऐसे बनाएंगे वैसे। बाकी बड़ा भी है ना, गुड ये अमेरिका से भाई इंपोर्ट करवाए हैं।